मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भाजपा अपने उम्मीदवारों की 4 सूचियां भी जारी कर चुकी है। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और वही हुआ। कांग्रेस ने आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस की पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें अगर हम सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सागर जिले की सुर्खी विधानसभा का। यहां से कांग्रेस ने नीरज शर्मा को टिकट दिया है। नरियावली विधानसभा से कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए घोषित कर दिया है। बंडा से तरबर सिंह लोदी को टिकट दिया है और देवरी विधानसभा से कांग्रेस ने हर्ष यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं सागर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर अब भी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होना बाकी रह गया है, जिनमें रहली विधानसभा, खोरई विधानसभा, सागर विधानसभा और बीना विधानसभा शामिल हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों की घोषणा की है। एक बार आप भी जरा सूची पर नजर डालें। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर।